कांग्रेस शुरू किया आपका कहां से 1910 से हमने कांग्रेस को शुरू किया और आज हम कहां तक गए 1913 तक गए। सबसे पहले हमने 1910 में कांग्रेस का अधिवेशन किया। 1910 में कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा है? 26वां अधिवेशन है। ये आपका आयोजित हो रहा कहां पर? इलाहाबाद में आयोजित किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता विलियम वेडर बर्न द्वारा की गई थी। 1910 का कांग्रेस के अधिवेशन में यहाँ पर 1909 में जो मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम किया गया था इसकी कड़ी आलोचना की जाती है, क्योंकि वहां पर क्या है, मुसलमान को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए, इसकी कड़ी आलोचना यहाँ पर की गई। जब यहाँ पर इसकी कड़ी आलोचना की जाती है तो तात्कालीन जो ब्रिटिश शासक है इसका नाम है जॉर्ज पंचम। तो जो जॉर्ज पंचम होता है भारत में इस समय इस वायसराय है लॉर्ड मिंटो को वापस बुला करके और इसकी जगह किसे भेजता है? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय को भेजता है। कहने का अर्थ है कि 1906 से लेकर के 10 तक का कार्यकाल लॉर्ड मिंटो द्वितीय का है। 1910 में भारत का वायसराय आपका कौन बनाया गया? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। 10 से लेकर के 16 तक का होता है। जब लॉर्ड हॉर्डिंग आपके भारत में आते हैं तो इस समय लगातार कांग्रेस उनके सामने विरोध करती है कि जो 1909 का अधिनियम है, आपका बंगाल का विभाजन है, इन सबको क्या कर दिया जाना चाहिए? रद्द किया जाना चाहिए। तो जो लॉर्ड हॉर्डिंग है तब किसको बुला देता है? जो इस समय शासक है, तात्कालीन शासक है इस समय आपके, जॉर्ज पंचम है। तो जॉर्ज पंचम को ब्रिटेन से भारत बुलाया जाता है। 1911 में उनके सम्मान में आपका एक दरबार लगता है जिसका नाम आता है आपका दिल्ली दरबार। कहने का अर्थ है कि दिल्ली दरबार का आयोजन जॉर्ज पंचम के सम्मान में भारत में आयोजित किया जाता है। एक बार भारत में पहले भी जो है दिल्ली दरबार लगा था, ये आपका 1870 में लगता है। जो 1877 का दिल्ली दरबार है वो किसने लगाया था? लॉर्ड लिटन ने लगाया था और महारानी विक्टोरिया के सम्मान में लगाया था। 1911 का जो दिल्ली दरबार है, जब जॉर्ज पंचम आते हैं इनके साथ में महारानी जो है मेरी भी आती है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा तीन बातें जो है कांग्रेस की तरफ से रखी जाती है। पहली बात आपकी कौन सी थी? पहला था यहाँ पर कि जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द किया जाए। सेकंड कहा गया था कि जो राजधानी आपकी कलकत्ता में है उसे दिल्ली लाया जाए। क्यों लाना था दिल्ली में? क्योंकि कांग्रेसियों का मानना था कि दिल्ली पहले से ही इतिहास का केंद्र है, मुगल शासकों की राजधानी कहाँ पर है? दिल्ली में, इसलिए राजधानी दिल्ली होनी चाहिए। और तीसरा कहा जाता 1909 का अधिनियम आपका रद्द किया जाए। तो कहते हैं कि यहाँ पर दो मांग जो है जॉर्ज पंचम के द्वारा मानी जाती है, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाती है। सेकंड यहाँ पर बात की जाती है कि राजधानी आपकी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी, लेकिन जो तीसरी बात होती है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की, इसको अस्वीकार किया जाता है। 1911 में जब आपके जॉर्ज पंचम भारत आ रहे हैं तो इस समय कांग्रेस का फिर अधिवेशन होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि साल में प्रत्येक 28 दिसंबर को कांग्रेस का अधिवेशन होना है तो होना ही है। तो यहाँ पर यह अधिवेशन कहाँ पर हो रहा है? इस समय आपका कलकत्ता में हो रहा है। तो कलकत्ता में जब यह अधिवेशन हो रहा होता है तो इसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर द्वारा की जाती है। भारत में इस समय जो है जॉर्ज पंचम पहुंच रखे हैं तो उनको क्या बुलाया जाता है इस अधिवेशन में? बुलाया जाता है मुख्य अतिथि के रूप में, वो रहते हैं और उन्हीं के ही सम्मान में इस समय कांग्रेसियों द्वारा क्या गाया जाता है? जनगण मन को गाया जाता है। कहने का अर्थ है कि कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन है, 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? पंडित विशन नारायण धर द्वारा की गई है। तो यहाँ पर कांग्रेस में भी अब हमने कहा दो विचारधारा वाले रहते हैं। एक तरफ तो ये लोग होते हैं कि जो कांग्रेस जो मानते हैं कि जॉर्ज पंचम ने भारत के लिए क्या किया, काफी कुछ किया है, इनकी बदौलत जो है दोबारा से बंगाल क्या हुआ है, एक हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो गर्मपंथी होते हैं, गर्मपंथी विचारधारा है, वो बिल्कुल जो है इस बात को क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। उनका मानना होता है कि जॉर्ज पंचम कोई भारत का भाग्य विधाता नहीं है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं 1911 में, सोशल सर्विस लीग को बनाते हैं, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्री नारायण मल्हार जोशी द्वारा की जाती है। यहाँ पर जो है कहते हैं कि जो जॉर्ज पंचम है, तो जॉर्ज पंचम के जो है मुर्देबाद के नारे यहाँ पर लगाए जाते हैं। जब मुर्देबाद के नारे लगाए जाते हैं तो निश्चित है कि तब अंग्रेज सरकार इनको क्या करती है, पकड़ करके इनको जेल भेज देती है। उसके बाद 1911 के बाद 1912 में हम प्रवेश करेंगे। 12 में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो तात्कालीन इस समय आपका वायसराय है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय है। तो जो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय होता है ये क्या करता है कि इस्लिंगटन आयोग की स्थापना कराता है। यानी इस्लिंगटन आयोग किसके लिए था? कि जो भारतीय है, भारतीयों को सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में, यानी भारतीयों को सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, या सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं भारत में होनी चाहिए या ब्रिटेन में होनी चाहिए, इसकी समीक्षा के लिए ये आयोग बनता है। 1912 में ये आयोग ने बने तो इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिविल सर्विसेज परीक्षाएं कहाँ आयोजित होनी चाहिए? भारत में आयोजित होनी चाहिए। 1912 में जो जॉर्ज पंचम की घोषणाएं हो रखी हैं 11 में की है, क्योंकि दिल्ली दरबार तो आपका कब लग रखा है? 11 में लग रखा है। तो 12 में जो घोषणाएं दो हो रखी हैं, एक बंगाल विभाजन को रद्द और दूसरा आपका कौन सा है, राजधानी स्थानांतरण की, तो ये दोनों के दोनों कब लागू होती है? 1912 में होती है। 1912 में एक और घटना होती है, कहते हैं कि इस समय तात्कालीन जो वायसराय है आपका लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, इसका काफिला चल रहा होता है तो एक व्यक्ति नाम है किसका, रास बिहारी बोस का है।
जो रास बिहारी बोस है गर्मपंथी विचारधारा के होते हैं, इनका मानना था कि इन्होंने जो है जॉर्ज बंचम से क्या कराना था, यानी लॉर्ड हार्डिंग जो भारत का वायसराय है उसको जॉर्ज बंचम से एक और काम कराना था कि जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है उनको भी रद्द करवाना था, लेकिन इसने नहीं कराया था। इसलिए नाराज होते किससे, हार्डिंग द्वितीय से नाराज है। और जब हार्डिंग द्वितीय से नाराज होते तो इसके काफिले पे रास बिहारी बोस द्वारा क्या किया जाता है, हमला किया जाता है। हमले में कहते हैं कि आपका लॉर्ड हार्डिंग बच निकलता है, और जब बच निकलता है तो उसके बाद यानी कहने का कि पकड़ने का फरमान जारी होता है रास बिहारी बोस का। तो रास बिहारी बोस अपने बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं। यही रास बिहारी बोस तब वहाँ पर किसका नेतृत्व करते हैं, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सिंगापुर में करते हैं। अब 1912 में कांग्रेस का फिर अधिवेशन होता है। कांग्रेस के अधिवेशनों को बिल्कुल क्रम में रखना, 10 का आपका कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, 11 का आपका कलकत्ता में है, तो 12 का आपका कहाँ पर होता है, बांकीपुर में होता है। आरएन माघोल पर इसकी क्या करते हैं इस समय अध्यक्षता करते हैं। 12 के बाद तब 1913 में हम प्रवेश करते हैं। 13 में जो है इस समय नाम आता किसका, लाला हरदयाल का नाम आता है। तो लाला हरदयाल आपके अमेरिका में होते हैं, उनके द्वारा गद्दर पार्टी की स्थापना की जाती है। तो 1913 में गद्दर पार्टी बनी, सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान होता है वहाँ पर आपकी गद्दर पार्टी बनाई जाती है। भारत में जो आपका गद्दर पार्टी का नेतृत्व किया था, ये किया जाता किसके द्वारा, कासाराम के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। यानी कहने का अर्थ कि इसका उद्देश्य भी क्या होता है कि भारत को स्वतंत्र करना इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। तो यानी 10 से लेकर के 13 तक हम आज पहुँचे, नेक्स्ट टाइम हम कहाँ से, 13 से लेकर के लगभग इससे आगे आएंगे, ठीक है।